हे गाइस, मैं हूँ KKZ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल KKZ इन IT एंड टेक्निकल्स। तो आज हम फिर से MS वर्ड की कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम कैसे किसी भी सेलेक्टेड टैक्स पे, क्योंकि जो बॉर्डर का बेसिकली जो यूज़ है वो आपका टेबल्स के अंदर है, लेकिन मैं बता दिया कि आपको किसी भी जो आपका कलेक्शन रहेगा टैक्स का, उसके ऊपर भी आप बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे नो बॉर्डर करूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक डमी टैक्स है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आपके होम टैब के अंदर जो स्टाइल स्टाइल जो आपके पास ऑप्शन है, एक ब्लॉक्स है, उसके अंदर जो भी स्टाइल से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टाइल्स का यूज़ मैं बेसिकली बता रहा हूँ कहाँ पर होता है आपका। ठीक है, ये स्टाइल्स का यूज़ हम लोग जब कोई भी मैगजीन्स वगैरह या कोई भी कलेक्शन ऑफ टैक्स के साथ हम लोग यूज़ करेंगे, किसी अल्फ़ाबेट के साथ ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सबका अपना कुछ बना हुआ है। देखिए, यहाँ नॉर्मल्स है, जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तब ये बाई डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे ही सेलेक्टेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे आपके स्टाइल हैं, आपका स्टाइल ब्लॉक या स्टाइल ऑप्शंस के अंदर आएगा, सबकी अपनी अपनी है। यहाँ पर देख सकते हो ओपन करके, ये देखिए यहाँ पास बाय डिफॉल्ट जो होता है नॉर्मल पे रहता है। फिर यहाँ पास सब में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को ऊपर नीचे किया गया है, कहीं हेडिंग दिया गया है, कहीं पास स्पेस को कम कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पास देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास, यहाँ पास आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पास इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, टोटल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पास यूज़ करना है, जिसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पास टोटल आपके पास देख सकते हो, ये बेसिकली कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास कलेक्शन हो, कोई अखबार लिख रहे हो या फिर कोई पेज बना रहे हो बहुत बड़ा, उसमें जैसे बहुत सारे टैक्स हो, तो वहाँ आप इस स्टाइल का यूज़ कर सकते हो। किसी अल्फ़ाबेट के लिए आप इस स्टाइल का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ जनरली यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखिए क्रिएट स्टाइल, तो आप यहाँ पर खुद से भी एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर खुद से भी अपना एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ बस मैं सब चीज़ों को और अच्छे से बताऊंगा आपको, बस इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आगे इसके मैं कनेक्ट करूँगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो मैं आपको इसको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, और जब आप क्रिएट कर लोगे कोई स्टाइल, ठीक है, आप सिंपली जाके यहाँ पर जाके आप मॉडिफाई का जो ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ें आप यहाँ पर डालोगे। आप कौन सा स्टाइल बनाना चाहते हो, आपका स्टाइल का टाइप कैसा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर पैराग्राफ टेबल्स कैसा भी रहेगा, फिर आपका स्टाइल बेस्ड क्या होगा आप वो दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो हेडिंग नो स्पेस जो अभी आपको ऊपर में दिख रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे देख सकते हो, यहाँ कॉन्टेक्ट पे भी है, फिर हेडिंग पे भी है, फिर नॉर्मल पे भी है। आप इसका टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, बेस कौन सा रहेगा आपका, फिर उसके बाद स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पैराग्राफ यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करने के आ रहे हैं, फॉन्ट साइज, फिर बोल्ड इटैलिक, फिर अंडरलाइन, फिर आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हो, अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हो। यहाँ पर फॉर्मेट भी आपके पास दिया हुआ है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, टैब है, बॉर्डर, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। मैंने सोचता कि इसको इतना ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका यूज़ करना चाहे तो कर ले, यहाँ पर अपना खुद का स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। बोलो, अब उसके बाद ओके कर दे, और जब ओके कर दोगे तो आपका स्टाइल क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और कभी भी अप्लाई करना होगा तो आप इसे अप्लाई स्टाइल करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। यहाँ पर जब भी सेलेक्ट करने के बाद आपको किसी के ऊपर क्लिक करना है, बस आपको स्टाइल प्रोवाइड करता है बस ये आपको, बस आपके टैक्स के अंदर। ठीक है, बस आपके पास बहुत सारा जब टैक्स रहेगा तो उसके साथ आप कर सकते हो, जब मैगजीन या अखबार वगैरह जब यूज़ कर रहे हो तो आप स्टाइल प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो स्टाइल ऑप्शन है आपका ब्लॉक, उसमें कोई भी स्टाइल को आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नॉर्मल ही रहने देता हूँ, जो नॉर्मल रहेगा स्टार्ट में। ठीक है, यहाँ से आप नॉर्मल ही कर लें। तो बात ऐसा है कि आप इसका यूज़ अपने मैगजीन्स वगैरह या पेपर वगैरह जब वर्क कर रहे हो तो वहाँ यूज़ कर सकते हो, वरना ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसका। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।